नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम चित्र के आधार पर वाक्य निर्माण करना। तो देखिए यहाँ पर प्रदत्त शब्दानाम सहायतया संस्कृति षड्वाक्यानि रचयति। ये क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत में 6 वाक्य बनाइए। हम 6 क्या 10 15 20 वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाए उतने ही हमें वाक्य बनाने हैं। तो ये हम शब्दों के आधार पर मानते हैं कि जो चित्र है वो एक बगीचे का है, वहां पर पौधे लगाने का कार्य किया जाता है, पौधों से हमें क्या फायदा है, इनके आधार पर हमें ये सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला है वृक्षारोपणम। वृक्षारोपणम का मतलब होता है वृक्ष लगाना। तो वृक्ष लगाने का कार्य कोई भी कर सकता है, छात्र कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं, माली कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं। तो हम सेंटेंस उनके आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे छात्रा, छात्रा मीन्स बच्चे, स्टूडेंट विद्यार्थी, वृक्षारोपणा वृक्षारोपण, कुर्वंती, ये सेंटेंस बन गए। छात्र वृक्षारोपण करते हैं, कहने का मतलब छात्र वृक्ष लगाने का कार्य करते हैं। हम छात्रा के स्थान पर जना भी कर सकते हैं, महिला भी लिख सकते हैं, माली भी लिख सकते हैं, बालका भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्रिया लिखनी है। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं, छात्रा वृक्षारोपण कुर्वन्ती, छात्र वृक्षारोपण कर रहे हैं या करते हैं। इस प्रकार से एक सेंटेंस हमारा बन गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए हम वृक्षेभ्य। वृक्षेभ्य, वृक्षेभ्य से क्या सेंटेंस बनाएंगे? वृक्षेभ्य पंचमी विभक्ति एकवचन भी है और चतुर्थी विभक्ति, सॉरी पंचमी विभक्ति बहुवचन है वृक्षेभ्य और एकवचन होता है वृक्षा। तो वृक्षेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है और पंचमी विभक्ति बहुवचन है, दोनों के आधार पर हमें सेंटेंस बना सकते हैं और बनाना सीखेंगे। देखिए वृक्षेभ्य, तो नंबर 2 सेंटेंस बनाएंगे क्या कि वृक्षों से हमें फल प्राप्त होते हैं। वृक्षों से हमें फल प्राप्त होते हैं, किसको प्राप्त होते हैं फल? हमें। तो लिखेंगे वयम, हमें। वृक्षेभ्य, वृक्षों से फलानि, फल प्राप्त होते हैं, प्राप्नुमः। हमें वृक्षों से फल प्राप्त होते हैं। तो सेंटेंस बन गया वयम, हमें वृक्षेभ्य वृक्षों से फलानि, फल प्राप्नुमः प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, या वृक्ष हमें फल देते हैं वो तो कर्ता बन जाता है वृक्ष। अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे वृक्षेभ्य वृक्षों से फलानि पतंती, वृक्षों से फल गिरते हैं, वृक्षों से फल गिरते हैं, ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और भी बना सकते हैं क्या? वृक्षेभ्य पत्राणि पुष्पाणि से पतंती, वृक्षों से पत्ते और फूल गिरते हैं, वृक्षों से पत्ते और फूल गिरते हैं। तो सेंटेंस नंबर 4 बन गया। नंबर 5 बनाएंगे प्राप्स्यामः, प्राप्त करेंगे। तो क्या प्राप्त करेंगे? वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होता है? वृक्षों से हमें फल प्राप्त होते हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, पत्ते प्राप्त होते हैं, फूल प्राप्त होते हैं,
तो हम वृक्षों से फल प्राप्त करेंगे, फल प्राप्त करते हैं, ये सेंटेंस हो गया। वृक्षों से हम फूल प्राप्त करते हैं, तो लिखें वृक्षेभ्य वयम् पुष्पाणि प्राप्स्यामः। वृक्षों से हम फूल प्राप्त करेंगे, फूल प्राप्त करेंगे। और क्या होता है वृक्षों से? वृक्षों से हमें प्राणवायु मिलती है, तो देखिए लिख सकते हैं वृक्षा अस्मभ्यम प्राणवायु यच्छन्ति। वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। सेंटेंस सिक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है खादन्ति, खाते हैं, तो लिख सकते हैं सर्वे मानवा, सभी मनुष्य वृक्षाणाम फलानी खादन्ति। सभी मनुष्य वृक्षों के फल खाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर एट, कुछ बना सकते हैं वृक्षा सत्पुरुषा इव मानवानां सहायतां कुर्वन्ति। वृक्षा सत्पुरुषा इव मानवानां सहायतां कुर्वन्ति। वृक्ष सत्पुरुषों के समान मनुष्यों की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं और सेंटेंस भी बना सकते हैं। हम इन सिक्स वर्ड्स के आधार पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है जैसे नाइन नंबर का सेंटेंस जो सबसे पहले बनाना चाहिए, जो नाइन नंबर का सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा सेंटेंस सबसे पहले बनाना चाहिए। जैसे इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ये चित्र सुंदर है। भाई एक हरियाली का चित्र है जहां पर वृक्ष लगा रहे हैं, तो ये सुंदरता का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, तो हम उस चित्र को सुंदरम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ये चित्र किसका है, तो नंबर टेन, तो ये चित्र किसका है, तो लिखेंगे इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है, बगीचे का है। तो उद्यानस्य के स्थान पर हम दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे खेत में हम पौधे लगा रहे हैं तो लिखेंगे क्षेत्रस्य, क्षेत्रस्य। हम विद्यालय में पौधे लगा रहे हैं तो विद्यालय प्रांगणस्य। हम कहीं पर भी लगा रहे हैं तो उस स्थान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, ये चित्र बगीचे का है, या खेत में लगा रहे हैं तो इदम चित्रम क्षेत्रस्य अस्ति, ये चित्र खेत का है। तो इस प्रकार से हम इन कुछ शब्दों के आधार पर हम वाक्य बना सकते हैं। इन वाक्यों बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी हम वाक्य बनाएं वही बनाए जिनके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हम बना सकते हैं तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।